हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप सभी ठीक होंगे। वेल, हमारी सिटी का तो लॉकडाउन खुल चुका है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बट हम घर से बाहर तभी निकले जब हमें ज़रूरत हो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी को भी बिना सैनिटाइज़र के, विदाउट मास्क, किसी को भी बाहर ना निकलने दें। सो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो इजली हम सभी के घरों में अवेलेबल है। आपको इस सब के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। ये मैंने एक कार्डबोर्ड को दो पीस में डिवाइड कर दिया है। दो पीस को मैंने डिवाइड कर दिया है कार्डबोर्ड के, और फिर इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। देव नथी लाओ। ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। वन पैनल लाइन बची है। ये जो आप सुन रहे हैं, ये देव वीडियो देख रहे हैं। मैं दूसरा बोर्ड भी ब्लैक से कर रही हूँ। दोनों फ्रेम्स मुझे ब्लैक से कंप्लीट करना है। दोनों पीस मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिए हैं। सेम कलर रखा है मैंने। सो फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर वाइट से डॉट बना रही हूँ। डॉट नहीं है ये, स्मॉल स्लीपिंग लाइन। टर्न करना है इसके बाद। सो फ्रेंड्स, ये मेरी वाइट लाइन कंप्लीट हो गई है। सेकंड वाले फ्रेम पे मैं पुराने देव के क्रेयॉन्स रखे हुए थे, तो मैं उसको यूज कर रही हूँ।
स्टूडेंट ने यूज़ करे, इसमें टूटे हुए क्रॉन्स थे वो भी लगा रही हूँ। आप इसमें फ्रेश क्रॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश करूँगी तो देव गुस्सा हो जाएगा। फ्रेश भी थे मेरे पास, सेट्स रखे हुए हैं। अभी अच्छा लग रहा है। हाँ सो गाइस ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है। एंड यूज कलर थे इधर उधर फेंके रहते हैं। क्रॉन्स वाला फ्रेम मेरा रेडी हो गया है एंड मैं फर्स्ट फ्रेम को भी रेडी कर रही हूँ। मैं फर्स्ट फ्रेम में उन कार को यूज़ कर रही हूँ जो देव नहीं खेलता है। उसी की परमिशन से मैंने ये कार ली है, दे नहीं रहा था। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा ये मैं क्या बना रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा फोटो फ्रेम कंप्लीट हो गया है। दोनों बच्चों की फोटोज मैंने दोनों फ्रेम्स में लगा दी है। ये देखिए मेरा DIY कंप्लीट है। मैंने अपने बच्चों के ओल्ड टॉयज और क्रेयॉन्स को किस तरह यूज़ किया है। आपके घर में भी पुराने अगर क्रेयॉन्स हैं, पुराने ओल्ड टॉयज हैं, तो सुंदर सा फोटो फ्रेम बनाइए और अपने रूम की वॉल को डेकोर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।